देखो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एक सांप और कौवा जानी दुश्मन होते हैं, लेकिन अगर हमें मोना के इन बालों को पढ़ना है तो फिर तुम दोनों को साथ मिलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। पिया, तुम्हें इसमें अपना विष डालना होगा। अब तुम्हारे विष की मदद से कागराज इन बालों को पढ़ पाएगा। डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है, या यूं कहो कि उसकी चोटी ही उसकी जान होती है। डायन के बाल कभी झड़ते नहीं है, इसलिए इन बालों की उम्र भी उतनी ही होगी जितनी मोहना की। अब हम इसकी मदद से मोहना के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, उसकी कमजोरी भी। बताओ कागराज, ये बाल जिस डायन के हैं उसकी कमजोरी क्या है? उस डायन की कोई कमजोरी नहीं है। कोई कमजोरी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? काकराज, एक बार ध्यान से देखो कि उसकी क्या कमजोरी है। ये बाल सर्वशक्तिशाली डायन का है, जिसकी उम्र 250 साल है, और 250 सालों में कभी भी उसकी कोई भी कमजोरी नहीं रही। हंस ने इतनी बड़ी बात को अनदेखा कैसे कर दिया? कहीं वो भी मोना के जैसे तो नहीं बनता जा रहा है ना? ये तुम क्या कह रही हो वैद्यश्री? अंश ना मोना जैसा है और ना कभी हो सकता है। और अब तो उसकी दैविक से शादी होने के बाद इस बात का कोनो संदेह भी नहीं होना चाहिए। इसी बात से तो परेशान हूं मैं। दैविक से शादी हो जाने के बावजूद अंश बदल क्यों रहा है? मोना की कोई कमजोरी नहीं है। मोना की कोई कमजोरी हो ही नहीं सकती पिया, क्योंकि वो एक एकायन है। और एकायन 251 साल तक ही जीती है। कागराज ने कहा था कि मोना 250 साल की है। अगर वो 250 साल जी चुकी है तो इसका मतलब मोना के पास सिर्फ एक साल बचा है, एक साल बाद वो मर जाएगी, और यही उसकी कमजोरी है। अगर ऐसा है तो वो अंश से क्या चाहती है? क्या हो रहा है मेरे साथ? हमारे सारे सवालों का जवाब हमें इस डायन रहस्य में मिलेगा। इसमें हम रीवा वंशियों के पूर्वजों ने
डायनों के बारे में हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई है। इकायन, देखो इसमें भी लिखा हुआ है, इकायन की उम्र 251 साल होती है, उसके बाद वो मर जाती है, लेकिन अपने डावंश बेटे की मदद से वो अमर हो सकती है। इसके लिए उसे अपने डावंश बेटे को इसके आगे का पन्ना कहाँ गया? मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए वापस आई हूँ, क्योंकि मेरा दावंश बेटा ही मुझे अमर बना सकता है। अंशब अपनी माँ के जैसा बन रहा है। तो क्या सच में इसका मतलब यही है कि अंश बुराई की तरफ बढ़ रहा है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों बार बार आते हो मेरे सामने? बताओ क्या चाहते हो मुझे? बताओ! उसकी जिम्मेदार शायद मैं हूं आज, क्योंकि अब मैं दैविक नहीं हूं। शायद इसलिए बुरी शक्तियां तुम पे हावी हो रही है। मोहना से बदला लेने के जुनून में मैंने ये नहीं सोचा इस सब का तुम पे क्या असर होगा। मुझे माफ कर दो अंश। मैं नहीं जानती मोहना तुमसे क्या चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।